और सॉल्व करने की कोशिश करो। देखो ये जो क्वेश्चन है इसको एक बार समझा दे रहा हूं, बार बार आएगा तुम्हारे सामने। सेमीकंडक्टर पढ़ रहे हो तो ये क्वेश्चन बार बार आएंगे इस टाइप के। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग और अच्छी वाली बात है, इसको मैं डेप्थ में समझा दे रहा हूँ। एक सर्किट दिया हुआ देखने से लग रहा होगा आपको। और प्यारे बच्चे दो डायोड है, एक का नाम D1 है, एक का नाम D2 है। एक उल्टा लटका है, एक उल्टा लटका है, एक सीधा लटका है। तो करंट फ्लोइंग थ्रू द रेजिस्टेंस R1, R1 कहाँ हो भाई? R1 इधर है और R2 इसका भाई इधर है और इसके भाई का भाई R3 इधर है। ये इसी के फैमिली के। तो कहता R1 में कितनी करंट फ्लो हो रही है, R1 में कौन करंट भेजेगा भाई? ये बैटरी लगी है। अब यहाँ देखो डायोड और रेजिस्टेंस एक साथ जब आते हैं, डायोड रेजिस्टेंस एक साथ आएंगे या कैपेसिटर भी आएगा, ऐसे तो क्वेश्चन नहीं मिलेगा तुम्हें कैपेसिटर वाला। तो हम क्या देखते हैं, पहले यहाँ से कॉन्सेप्ट एक बार डिस्कस कर देता हूँ, ठीक है। जो कॉन्सेप्ट है वो क्या कहता है कि अगर डायोड फॉरवर्ड बायस में है, फॉरवर्ड बायस में डायोड है। फॉरवर्ड बायस बोले तो ये जो है फॉरवर्ड बायस, ये प्लस टर्मिनल प्लस से कनेक्टेड है और ये निगेटिव से कनेक्टेड है। निगेटिव मतलब लोअर पोटेंशियल और हायर पोटेंशियल से कनेक्टेड है। डायोड फॉरवर्ड बायस में है तो आइडियल केस जब तक दिया नहीं रहेगा, समझ लेना अच्छे से। आइडियल केस थियोरी की मैं बात करूंगा। थियोरिटिकल जब तक दिया नहीं रहेगा तब तक इस डायोड का रेजिस्टेंस मैं फॉरवर्ड बायस में रेजिस्टेंस जीरो कंसीडर करूंगा। बट रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता यार। रियल लाइफ में कुछ ना कुछ डायोड कि रेजिस्टेंस रहेगा ही, भले ही मिनिमम बहुत ही कम होता है पर होता है। पर थियोरेटिकली और आइडियल केस में जब तक बताया नहीं जाएगा मैं आइडियल ही ट्रीट करूंगा और मैं जीरो रेजिस्टेंस लेके चलूंगा फॉरवर्ड बायस में। बात करो रिवर्स बायस की। रिवर्स बायस में जब तुम कनेक्ट करोगे तो रिवर्स बायस में क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ से ये प्लस है और ये निगेटिव टर्मिनल है और ये पॉजिटिव टर्मिनल है। अगर निगेटिव टर्मिनल कि ये यार यहाँ से रिवर्स बायस में कनेक्ट करना ना, तो रिवर्स बायस में कनेक्ट करना तो ये निगेटिव वाला ये प्लस से कनेक्टेड हो जाएगा और ये निगेटिव से कनेक्टेड हो जाएगा। तो ये रिवर्स बायस में। अब रिवर्स बायस में जो आइडियल केस है, आइडियल केस जब तक कुछ बताया नहीं जाएगा तब तक जो मैं रेजिस्टेंस है वो इन्फिनिटी कंसीडर करूँगा, बराबर है। मतलब इन्फिनिटी बहुत ही ज़्यादा रेजिस्टेंस होता है, इन्फिनिटी तो इम्पॉसिबल है। थियोरेटिकली या आइडियल केस में इन्फिनिटी कंसीडर करूँगा जब तक बताया नहीं जाएगा। तो ये किस तरह से बिहेव करेगा सर्किट एक बार यहाँ पर देख लो। अगर ये डायोड प्लस माइनस इस टाइप से बैटरी से कनेक्टेड है, समझ लेना। इस डायोड D1 है और ये प्लस माइनस 20 वोल्ट की बैटरी से कनेक्टेड है। फिर ये डायोड डंडा छूटना नहीं चाहिए, प्लस, ठीक है। और ये रिवर्स बायस में प्लस माइनस ये रिवर्स बायस में है और ये फॉरवर्ड बायस में है। ये डायोड D2 है। तो ये किस तरह से बिहेव करेंगे समझ लो इसको एक बार। यहाँ से ये वाली जो चीज़ है रेजिस्टेंस ज़ीरो है तो ये जो सर्किट है अब मुझे ऐसे दिखेगी यार, ये रेजिस्टेंस ज़ीरो पाथ दिखेगा और सिंपली एक बैटरी दिखेगी प्लस माइनस इस तरह से। ये शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, प्लस माइनस 20 वोल्ट की बैटरी इस तरह से, ठीक है। रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? जीरो। जब तक बताया नहीं जाएगा, दिया नहीं रहेगा तब तक मैं जीरो लेके चलूँ। अगर मान लो क्वेश्चन में दे दिया डायोड का रेजिस्टेंस तो कभी भी जीरो कंसिडर नहीं करना, क्वेश्चन गलत हो जाएगा, मुझे दोष मत देना। यहाँ अब ये इन्फिनिटी है, यहाँ से प्यारे बच्चों ये जो डायोड है जब तक बताया नहीं गया तो इनफाइनाइट, मतलब यहाँ से कोई करंट जाएगी आगे जा ही नहीं सकती यार, इनफाइनाइट रेजिस्टेंस है। तो ये सर्किट ब्रेक की तरह काम करेगा, यहाँ से सर्किट ब्रेक कर जाएगी और कुल मिला के इसमें करंट जीरो फ्लो होगा। प्लस यहाँ से माइनस प्लस माइनस रिवर्स बायस में इस सर्किट में करंट जीरो फ्लो होगी और इस सर्किट में करंट मैक्सिमम फ्लो होगी व्हाटएवर। यहाँ से रेजिस्टेंस इन्फिनिटी कंसीडर करूँगा जब तक बताया नहीं। तो जहाँ डायोड रिवर्स बायस में रहेगा उसको ब्रेक कर देंगे तोड़ देंगे, उस ब्रांच में कोई करंट नहीं फ्लो होगी, जहाँ फॉरवर्ड में रहेगा उसमें जीरो कर देंगे, ऐसे कुछ। तो ये कॉन्सेप्ट हो गया, चकाचक एकदम चमक गया होगा। अच्छे से इसको अब यहाँ जाके अप्लाई कर दो और पूरे सेमीकंडक्टर में अप्लाई करना, बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं प्यारे बच्चों, ठीक है। चलो यहाँ से अब देखो, ये यहाँ से देखोगे तो ये प्लस टर्मिनल है और ये माइनस टर्मिनल है, तो यहाँ से प्लस टर्मिनल है, तो ये देखो ये इसका निगेटिव है, ये निगेटिव है और ये पॉजिटिव है। तो ये जो डायोड D1 है वो रिवर्स बायस में चला गया, तो यहाँ पर इनफाइनाइट रेजिस्टेंस ऑफर हो गया, बराबर है। यहाँ से इनफाइनाइट रेजिस्टेंस आ गया मेरे प्यारे बच्चों। तो और यहाँ से ये प्लस है, तो ये प्लस से कनेक्टेड है, तो यहाँ पे रेजिस्टेंस ज़ीरो आ गया। तो ये जो फाइनली अगर सर्किट को मैं रीड्रा करूँ तो ये कैसे दिखेगा यार, अगर मैं सर्किट को रीड्रा करूं तो यहाँ से जो बैटरी है ये प्लस माइनस 10 वोल्ट की बैटरी लगी है और यहाँ से एक रेजिस्टेंस लगा हुआ R1 जो 2 ओम का है और ये सर्किट यहाँ से ब्रेक कर गई और ये यहाँ से रेजिस्टेंस ये वाली चीज़, तो यहाँ से एक रेजिस्टेंस उसी की फैमिली का था, उसी का भाई था, तो ये 2 है और ये 3 ओम है। तो ऑब्वियसली देखो यहाँ से ये सर्किट मुझे कुछ ऐसी दिखेगी यार, मैं समझाने के लिए इतना मेहनत कर रहा हूँ, कमज़ोर से कमज़ोर बच्चा। तो ये वाला जो ब्रांच है, दिस ब्रांच इज यूजलेस, ये ब्रांच यूजलेस है। तो फाइनली जो सुंदर सा सर्किट दिखेगा वो बहुत ही बेहतर होगा और अच्छा होगा, देखने में भी लगेगा। तो ये ऐसा होगा, दिस इज़ द फाइनल सर्किट ऑफ दिस। ये 2 ओम यहाँ आ गया और 2 ओम यहाँ आ गया और 10 वोल्ट यहाँ आ गया, ये अच्छा सा सर्किट दिखेगा और इसमें करंट सेम होगी, मतलब इस वाले और इस वाले में करंट सेम होगी। तो इस दोनों में अगर करंट सेम होगी तो कितनी होगी भाई, तो करंट की वैल्यू आ जाएगी, करंट की वैल्यू आ जाएगी वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस। तो नेट वोल्टेज कितना है 10 और नेट रेजिस्टेंस दोनों सीरीज में है 4, मतलब ये आ जाएगा 2.5 एम्पियर। तो 2.5 एम्पियर मतलब ये हम लोगों का ये ऑप्शन सही है, इस पहली बार आया है इसलिए इतना मेहनत करके समझाया हूँ। अब आगे मैं डायरेक्ट करूँगा इसे। ये देखो डायोड का आ गया, व्हाट इज